संजीव जी, मैं आप ही के पास आऊंगा जो अभी उन्होंने बताया कि आपके पास जानकारी हो। हालांकि खंडन वाला मामला, उससे पहले जो खबरें आई हैं उसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले चुनाव नहीं लड़ूंगा फिर लड़ूंगा। सबको समझ में आ जाता है खेल क्या है, सिंधिया जी मैदान से तो भाग ही रहे थे। जी संजीव जी, नहीं, निश्चित तौर पर उनकी हालत, हम लोग पहले भी जब चर्चाएं करते रहे हैं अमरीश जी, तो हमने यही कहा है कि वो बहुत बड़ी गलती कर गए हैं। उन्होंने एक ऐसा कदम उठा लिया है कि जो अब उनके लिए ना निगलने वाले हालातों में ना उगलने वाले हालातों में। और फिर वो यहाँ आने के बाद उन्होंने जिस तरीके से अपने जो पूर्व के जो उनका दल था, उनके जो बड़े नेताओं को जिस तरीके से उन्होंने कटघरे में खड़ा किया, वो कभी हम लोग देखते थे कि वो व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं करते थे, लेकिन जब यहाँ आए तो उन्हें शायद मजबूरी वश राहुल गांधी के खिलाफ भी सीधी टिप्पणियां करनी पड़ी, प्रियंका गांधी के खिलाफ भी, और पूरा जो कांग्रेस दल और व्यक्तिगत टिप्पणियां भी उन्होंने की, तो शायद वो अब वापसी का रास्ता तो उनका दिखता नहीं है। दूसरी बात, जो राजेश भाई जी ने कहा कि 11 टिकटें मिली हैं, अभी 11 तो मैं नहीं मानता, उनको भी 9 टिकटें मिली हैं। यदि हम राजनीतिक जो उसका समीकरणों को देखें तो जो 11 है उसमें दो ऐसे नेता हैं, चाहे वो दो नेताओं बिसाहूलाल सिंह हो और ऐदल सिंह कंसाना हो। बिसाहूलाल सिंह सदा सदा से दिग्विजय सिंह के खेमे से माने जाते रहे, ऐदल सिंह कंसाना की भी स्थिति, उनकी लॉयल्टी कभी किसी, लेकिन हाँ वो यहाँ वहां ढुलमुल उनकी स्थिति रही। और जब वो मौका मिला, जो जिस समय ये जो 22 विधायक टूटकर आए थे, उन 22 में 20, हम 18 20 20 मान सकते हैं, 20 सीधे सीधे मान भी लीजिए, तो ये दो तो कम से कम उनके उस वक्त नहीं थे, क्योंकि इन लोग को मंत्री बनना था और मंत्री बनने का अवसर मिल रहा था, तो वो लोग वहां से आ गए थे। फिर उपचुनाव हुए तो सब कुछ देखा। और अभी आज जो हम ताजा हालात बात करते हैं कि 11 टिकटों में, मैंने जैसे कहा 9, मैं मानता हूं कि 9 सिंधिया के लोगों को मिली है। अभी उनके 4 मंत्री हैं जो, मतलब उनके खास, एक तो महेंद्र सिंह सिसोदिया है जो बमोरी से हैं और वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनका टिकट फंसा हुआ है, बहुत खासुल खासों में है। और बाकी 3 राज्य मंत्री, ओपीएस भदौरिया है, सुरेश धाकड़ और ब्रजेंद्र सिंह यादव है, ये 3 मंत्री हैं। तो कुल मिला के सिंधिया समर्थक 4 मंत्रियों के टिकट फंसे हैं। 3 का टिकट भदौरिया, सुरेश धाकड़, बीजेपी नहीं देगी नहीं देगी नहीं देगी। और जो सिसोदिया है, सिसोदिया की भी उनके खिलाफ कुछ ऐसे मामले और मुद्दे सामने आए जिसके कारण उनका टिकट उलझा है। वो उनका टिकट केवल इस कारण नहीं उलझा कि उनकी स्थिति कमजोर है, उनकी उनके साथ में कुछ ऐसे कुछ प्रमाण सामने आए हैं पार्टी के सामने, जो जिस पर वो उनका टिकट कटने को तैयार है। फिर कमलेश जाटव, मुन्नालाल गोयल, रक्षा संतराम सरोनिया और जजपाल सिंह जज्जी, ये 4 लोग हैं। इनमें से भी बड़ा है कि 3 तो ये एससी की सीटों से आते हैं, इनके टिकट रुके हुए हैं। फिर 3 टिकट तो बीजेपी काट चुकी है, जैसे दिमनी से गिरिराज दंडोतिया का टिकट काट चुकी है, जिसकी जगह नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दिया जा चुका है। रणवीर सिंह जाटव का गोहर से टिकट काट चुके हैं, वहां भी उन्होंने लाल सिंह आर्य को, जो पूर्व में मंत्री होते थे मध्य प्रदेश की सरकार में, उनको टिकट दे दिया है। और जसवंत सिंह जाटव है, इसकी जगह ये करेरा से आते हैं, इन जो शिवपुरी जिले का ही हिस्सा है, उनको रमेश खटीक को टिकट दे दिया है। तो अब हालत यह है कि 22 में से 3 के टिकट तो कट चुके हैं, 11 में जो मिले, 11 में 2 दूसरे और 9 उनको मिले, और उनके 8 टिकट रुके हुए हैं। अब सिंधिया के सामने मजबूरी है कि वो जो जिन लोगों को लेकर आए थे, जिनकी बल पर पूरी राजनीति उन्होंने की थी, उन्हीं को टिकट नहीं मिल पा रहा है। इस बीच में पार्टी चाहती थी कि वो भी चुनाव लड़ जाए, तो बड़ी पशुपोश और असमंजस। और देखिए, मैं राजेश भाई की थोड़ा सा मैं असहमति जताता हूँ कि अब आसान नहीं है, जो हारी है वहां पर चुनाव, तो उनको खुटका या एक भय यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब जो बची कुची जो उनकी स्थिति है, शिवपुरी में भी बहुत ठीक है, वो लोग कहते हैं कि नहीं उनका वर्चस्व और तमाम एक तरफा जीतने की भी दावे करते हैं, लेकिन थोड़ा भी अगर तनिक भी भय है आपके मन में, तो वो कहीं ना कहीं तो है। सबसे ज्यादा उलझन उनको अमरीश जी ये है कि उनके लोगों के टिकट अब बीजेपी काट रही है बेदर्दी से। जैसा हमने पिछली, जब 1-1.5 महीने पहले जब हमने इस पे चर्चा की थी, इस विषय पर हमने कहा था कि उनको अब कहीं का छूटा नहीं है। तो एक तो ये है, और दूसरा जो यहाँ मध्य प्रदेश में सीन बन रहा है, उसमें वो किसी काम के रहे नहीं है पार्टी के लिए, कि अब उनके लिए कोई काम ही ऐसा नहीं दिखता कि जहां भेजा जाए। अब प्रचार देखिए इतने चरम पर है, लेकिन सिंधिया का अभी कहीं कोई हम लोग को तो सूचना नहीं आ रही, उनके दौरे बने हो, हालांकि भी स्टार प्रचारकों की सूची जारी होनी, मुझे लगता है स्टार प्रचारकों में भले ही ले लिया जाए, लेकिन कितनी जगहों पर उनको भेजा जाएगा ये देखने वाली बात होगी।